जलसीमिया मेडिसिन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। ये बहुत असरदार दवा है, नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए इस दवा को हम ज़रूर यूज़ करते हैं। अगर आपको भी नसों में कमजोरी की प्रॉब्लम है या मेंटली एग्जर्शन की प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इस वीडियो में हम जैल्सीमियम के बारे में बताएंगे कि हम किन किन पेशेंट को जैल्सीमियम का यूज़ करते हैं। जैल्सीमियम का यूज़ हम उन पेशेंट को ज़रूर देते हैं जिनमें नसों में कमजोरी बहुत ज़्यादा होती है। मान लीजिए उनके राइट साइड की जो एरिया है वो अफेक्टेड है, मीन्स वो राइट साइड से अपने पानी की गिलास तक नहीं उठा पा रहे हैं, उनके हाथ पैर पूरी बॉडी इवन कांपती है, ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मानी जाती है जैल्सीमियम। आपने देखा होगा जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं वो जब भी पानी का गिलास उठाते हैं या कुछ भी चीज़ें उठाते हैं उनकी बॉडी बहुत ज़्यादा ट्रेमलिंग करती है, मीन्स बहुत ज़्यादा कांपती है, उस कंडीशन में बहुत असरदार होती है जैल्सीमियम। मैंने भी बहुत से ऐसे पेशेंट देखे हैं जो जिनके हाथ पैर बहुत ज़्यादा कांपते हैं, कुछ तो ऐसे पेशेंट हैं बैठे बैठे उनकी बॉडी भी कांपती है, ऐसे पेशेंट के लिए भी असरदार है। जैसे बहुत से ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको लकवा, मीन्स एक साइड का उनका हिस्सा अफेक्टेड हो जाता है, उनका एक हिस्सा काम नहीं करता है, मांसपेशियों में बहुत कमजोरी रहती है, थोड़ा सा भी अगर वो चलते हैं तो उनका शरीर बहुत ज़्यादा भारी भारी सा लगता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी जैल्सीमियम बहुत असरदार है। और जैल्सीमियम का यूज़ हम उन पेशेंट पर भी करते हैं जो जैसे यंगस्टर होते हैं, उनका एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है या उनका जो टाइमिंग है वो कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मास्टरबेशन के कारण उनका जो गाल है वो पिचके से हो जाते हैं, शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखने लगता है, इवन आँखों के नीचे भी गड्ढा आ जाता है, ऐसे पेशेंट के लिए भी जैल्सीमियम बहुत ज़्यादा असरदार है। देन नेक्स्ट हम उन पेशेंट को भी देते हैं जिन्हें मेंटल एग्जर्शन बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, जो जैसे बहुत ज़्यादा डरते हैं, नींद उनको अच्छे से नहीं आती, जो भी नींद आती है उसमें बहुत ज़्यादा सपने आते हैं, वो एकदम से उठ जाते हैं या सही ढंग से सो नहीं पाते, नींद में बड़बड़ाने की कोशिश करते हैं या बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, किसी भी काम में मन नहीं लगता, जैसे बहुत से हमारे पास पेशेंट आते हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है या किसी अदर काम में मन नहीं लगता, बहुत ज़्यादा घबराने लगते हैं, ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत असरदार होती है जैल्सीमियम। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो परीक्षा से बहुत ज़्यादा घबराते हैं, मीन्स आपने 10th 12th के कुछ बच्चे देखे होंगे जो बहुत ज़्यादा परीक्षा मीन्स एग्ज़ाम का बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, इवन बहुत ज़्यादा वो टेंशन लेते हैं उसकी, ऐसे पेशेंट के लिए भी बहुत असरदार दवा है जैल्सीमियम। अगर आप किसी एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने ये मेंटल एग्जर्शन या बेचैनी अनिद्रा की प्रॉब्लम बताते हैं तो वो आपको जो दवा देंगे वो एक तो आपको साइकोलॉजिस्ट के पास भेज देंगे और साइकोलॉजिस्ट आपको जो दवा देगा वो नींद आने की, सर न दर्द होने की, पेन किलर, ऐसी दवाएं देगा जिससे आप उसके हैबिचुअल हो जाएंगे, और ये दवाएं हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक होती है। इसलिए आप कभी भी एलोपैथिक दवा अपने मेंटल एग्जर्शन के लिए यूज़ मत करिए। होम्योपैथिक के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसकी आप हैबिट नहीं होगी, आप इसके हैबिचुअल नहीं होंगे और आपको इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, इसलिए आप होम्योपैथिक दवा लीजिए, जैल्सीमियम का यूज़ करिए, ये आपके मेंटल एग्जर्शन को दूर करने में बहुत हेल्पफुल होगा। तो यदि आपको भी मेंटल एग्जर्शन की प्रॉब्लम है या ऐसे लोग हैं आपके आसपास हैं जिन्हें हाथ पैर कांपते हैं, उनकी या तो पूरी बॉडी कांपती है या मास्टरबेशन के कारण आपका शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, इन सभी कंडीशन में आप जैल्सीमियम का यूज़ कर सकते हैं। जैल्सीमियम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप आप टंग पर ले लीजिए, आप इसका रिजल्ट खुद देख सकेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।